पूजा व्यास है, मैं संपूर्ण विकास ट्रस्ट की प्रेसिडेंट हूँ। स्टार पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में आई एम अ हेड कोच, लाइफस्टाइल कोच, और साथ में श्री समस्त ब्रह्म समाज की मैं युवा प्रमुख हूँ। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिसको कहते हैं अबाल वृद्ध, मतलब छोटे बच्चे से लेके सबसे बड़े जो घर में बुजुर्ग है सबका फेवरेट त्योहार है, क्योंकि इस त्योहार में हर वो चीज है जिसका हम इंतजार करते हैं। कलर्स है, सेलिब्रेशन है, स्वीट्स है, फैमिली टुगेदरनेस है। तो मेरे हिसाब से ये त्यौहार इसलिए हम मनाते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें एक साथ हमें मिल जाती है। 5-6 दिन मौका मिलता है हमें पूरे साल का हमारे परिवार के साथ सेलिब्रेशन करने का। दिवाली की कुछ खासियत है, हम पटाखे जलाते हैं, हम बाहर गांव जाते हैं, हम खूब सारा खाना खाते हैं, बहुत कुछ होता है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या करना चाहिए, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोच होने के एक लेवल से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, दिवाली में सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है प्यार बांटना है। हम सब बांटते हैं, हम गिफ्ट्स बांटते हैं, हम बहुत कुछ लोगों को मिठाइयाँ बांटेंगे, बट एक चीज़ जो हम भूल जाते हैं वो है प्यार। तो इस दिवाली हम थोड़ा सा प्यार बांटते हैं। अगर हम शॉपिंग कर रहे हैं तो हर तरह के लोगों से करेंगे, थोड़ा शॉपिंग हम लॉरी वाले से भी करेंगे, थोड़ा मिडल सेगमेंट से करेंगे। घर बैठ के बहुत सी महिलाएं इतना अच्छा काम करती हैं, हम थोड़ा उनसे शॉपिंग करेंगे, हम बड़े स्टोर्स में जाएंगे, बट हम अपना 100% बांट के चलेंगे। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, दिवाली सबकी है। एक चीज़ ज़रूर हमें करनी है, वो है दिए खरीदने हैं। मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ रोड पे, इतने सारे दिए लेके वो खड़े होते हैं, लाइट्स लेके खड़े होते हैं। सी हमें चाहिए, अगर उनसे लेंगे तो उनकी दिवाली और अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। हमारे आसपास के कुछ लोग, गरीब तो हम नहीं बोल सकते, बट नीडी, जो थोड़े से नीडी है, अगर हम उन तक थोड़ा पहुँच पाए, जैसे हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो हमें डोनेट करनी है, दूसरों को देनी है, तो हम क्या वेट करते हैं कि जो आएगा उसको देंगे, थोड़ा उल्टा करते हैं, जिसको ज़रूरत है उसके पास जाते हैं और उसको दे के आते हैं। तो दिवाली को और खूबसूरत बनाइए। दूसरा पॉइंट है अपना ध्यान रखिए। हम बहुत खाएंगे, हम घूमने जाएंगे, तो कुछ बीमारियाँ हैं जो हम बाहर जाते हैं, मच्छर काट लेते हैं। थोड़ा सा खुद का ध्यान रखिए, अपने परिवार का, बच्चों का। मेहरबानी करके जब आप आउटिंग पे जाते हैं तो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें गुम हो जाती है, मोबाइल गुम हो जाना, पैसे चोरी हो जाना, ये छोटी छोटी चीज़ें दिवाली में हमेशा होती है और आपका पूरा मूड अपसेट हो जाता है। तो दिवाली में हर ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत छोटी है बस दिमाग को बहुत इफ़ेक्ट करती है। खुशियों का त्यौहार बदल जाता है दुख और गम में। तो ये दूसरी टिप है अपना ध्यान रखना। और तीसरी टिप है एंजॉय। वक्त कभी भी वापस नहीं आता, जो है आज है, अभी है। और हम ट्रेनर्स मोटिवेटर आज में जिंदा है। वी ऑलवेज यूज अ वर्ड, लिव इन प्रेजेंट नाउ। ये मोमेंट आपकी और मेरी है और ये हमारे हाथ में है। सो एंजॉय योर दिवाली विथ योर फैमिली। जैसे जो आर्मी है अपने बॉर्डर पे, उनके लिए आप क्या कहेंगे? यस, सी आर्मी के लिए जितना कहे उतना कम है। हम अपने लिए जिंदा है, वो दूसरों के लिए जिंदा है। तो आर्मी के जितने भी भाई हैं, जवान लोग जो वहाँ परिवार को छोड़ के दिवाली में भी हमारे लिए, देश के लिए, नेशन के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे सेलिब्रेशन में हम उनको भी सैल्यूट करेंगे। वो है तो हम सब सुरक्षित है, सेफ है, चैन की नींद सो रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे भाई वहाँ पे हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो उनको एक बहुत बड़ा सलाम, और वो जो कर रहे हैं उनका बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड हम सब की ओर से, पूरे देश की ओर से, हर महिला की ओर से, हर परिवार की ओर से।